हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग आया हूँ एक छोटा सा एमसीक्यू जनरल स्टडीज के लिए, आपके आने वाले आरओएआरओ एग्जाम के लिए, जो कि आपका 18 जून को है। देखिए, ये अभी आप ये सोचना या ये पूछना बंद कर दीजिए कि इसके फॉर्म कब आएंगे। आप देख रहे हैं सारे एग्जाम अब टाइम से हो रहे हैं, रिजल्ट आपके आ रहे हैं। तो अगर 18 जून को आपका प्रीलिम्स कैलेंडर में प्रिंटेड है, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि एग्जाम उसी दिन होगा। फॉर्म अप्रैल को भी आ सकता है, मार्च को भी आ सकता है, हो सकता है मई को भी फॉर्म आए। क्योंकि अब वो रूल, जब आपको 3 महीने 4 महीने पहले का टाइम मिल चुका है, तो फॉर्म आने का वेट ना करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आरवीआरओ का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। प्लीज उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करिए। मेरे पिछले वीडियो में क्या सिलेबस चेंज हुआ है वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से लेक्चर की या एक छोटे से एमसीक्यू की। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, किसके बारे में है? प्राकृतिक अनिषेक जनन, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, वो इन चारों में से किसमें मिलता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो पार्थिनोजेनेसिस होता है वो इन चारों में से किसमें मिलता है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, बी मधुमक्खी में मिलता है क्या, रेशम कीट में, सिल्क वॉर्म में मिलता है, केचुआ अर्थवॉर्म में मिलता है, या सभी कीटो यानी कि सभी आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें मिलता है। आपको बताना है इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है। 15 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग बच्चों। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा बच्चों। इसका आंसर एग्जाम में अगर आ जाए आपके आर ओ आर ओ के एग्जाम में, तो आपके पार्थिनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो आपकी मधुमक्खी यानी कि बीज में आपकी होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सीधा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनमें से वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मधुमक्खियों यानी बीज की भाषा का अर्थ लगाया, और वो कैसे फूलों की पहचान करती हैं, और उनका जो एक बैंगल डांस होता है वो कैसे परफॉर्म करती है और क्यों करती है। तो इन चारों में से वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीज की, जो कह सकते हो, तो पूरा लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, और जो उनका जीवन शैली होती है उस पे आपका बहुत डीप स्टडी की। चलिए बच्चों, उसका आंसर आप लोगों ने उम्मीद है कि निकाल लिया होगा इसका। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका ए आंसर, ठीक है, वॉन फ्रिश। जो ये टिक है, वॉन फ्रिश जो है वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत डीप स्टडी करने के बाद जो है ये बताया कि भाई ये जो बीज होती हैं वो आपका बैंगल और या इस तरीके के डांस जो है वो क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग, इनमें से कौन सा एक कीट है, यानी कि आपको बताना है इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो कौन सा जो है इनमें से इंसेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने चार आपको दिख रहे हैं, मॉथ जिसको हम लोग हिंदी में पतंगा बोलते हैं, बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन हो गया, या टिक ठीक है, या मकड़ी यानी कि आपका क्या हो गया, स्पाइडर हो गया। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा आपका कीट है, यानी कि इंसेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों में से कई लोगों ने ये आंसर निकाल लिया होगा पढ़ते पढ़ते। तो बच्चों, इस चारों में से जो सही आंसर है वो है आपका मौत, यानी कि पतंगा जो होता है वो एक कीट होता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप लोग, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, डिजीज को लेकर है, काला अजर ठीक है, एवं फोड़े के रोग फैलाने वाला कीट कौन सा है, यानी कि हम लोग जो, ध्यान रखिएगा, जो डिजीज को फैलाता है उसे बायोलॉजी की भाषा में बच्चों वेक्टर कहते हैं। तो ये दो डिजीज दे रखा है कि काला अजर और जो फोड़े होते हैं, इनमें से कौन सा कीट जो होता है वो स्प्रेड करता है, फैलाता है, आपको बताना है। कॉमनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हो जाती है उससे। तो चार ऑप्शन बच्चों आपको नीचे देख रहे होंगे, सैंड फ्लाई है, घरेलू मक्खी ठीक है, या जू बालों में होता है, या खटमल।
तो आप में से कई लोग इसका जो आंसर है निकाल चुके होंगे बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई जो है वो काला अजर और जो ये फोड़े के रोग होते हैं इनको फैलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है, सही जोड़ा है, सही जोड़ा बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कई प्रकार के सारे कल्चर हैं, कई क्वेश्चन जो है कल्चर से ये लोग आपके पूछ लेते हैं। तो पहला जैसे कि आप देख रहे हैं एपिकल्चर, यानी कि क्या मधुमक्खी पालन को कहते हैं, पिसी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, सेरी कल्चर मछली पालन को कहते हैं, या एपिकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो आपको सही बताना है, यानी कि इन चारों में से आपका एक जो पेयर है वही सही है, बाकी तीन जो है वो पेयर आपके क्या है गलत है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका एपिकल्चर। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन को ही हम लोग टेक्निकल भाषा में बच्चों क्या बोलते हैं, एपिकल्चर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मॉस्किटो यानी कि टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि तीन जो है इन चारों से तीन ऐसी डिजीज हैं जो टाइगर मच्छर फैलाता है, एक नहीं फैलाता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आएंगे, नहीं वाला आपको बताना है। टी ज्वार हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जापानीज इंसेफलाइटिस हो गया। चलिए तो आप लोग आंसर इसका डिसाइड कर चुके होंगे बच्चों। इसका जो आंसर है वो है पी ज्वार, सॉरी इसका जो आंसर है वो डी है। पी ज्वार जो है वो आपका टाइगर मच्छर फैलाता है, डेंगू टाइगर मच्छर फैलाता है, चिकनगुनिया टाइगर मच्छर फैलाता है, जापानीज इंसेफलाइटिस जो है वो टाइगर मच्छर का कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर वाइज इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला है आपका मत्स्य यानी कि पाइसिस का है, स्तनपाई यानी कि मैमल्स का है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स का है, उभयचर यानी कि एम्फीबिया का। आपको बताना है इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे बच्चों इसका। इसका जो आंसर है व्हेल जो है वो किसको बिलोंग करती है बच्चों, आपके स्तनपाई यानी कि मैमल्स को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली बेलों में विशालतम है। दांत वाली बेल, ठीक है, दांत वाली जो बेल है बेल्स है उनको बताना है, इसमें सबसे बड़ी है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका स्पर्म बेल। ठीक है, स्पर्म बेल आप क्या करके आएंगे, टिक करके। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है आरओ आरओ प्रीलिम्स का, वो आप लोग इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिंक मैंने दे रखा है। मैंने कॉम्बो कोर्स बना रखा है जनरल स्टडीज का, जिसमें आरओ आरओ प्रीलिम्स मेन कवर है, अपर पीसीएस का प्रीलिम्स कवर है, लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स कवर है, जिसमें अभी मैं आपको 250+ वीडियोज मिलेंगे, 200 पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी आपके, और ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे जो कि 50+ में मैंने बना रखे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। अब बताना है इसमें कौन सा पराग गण, जो परागकण होते हैं वो कार्य यानी कि परागकण को फैलाते हैं, चमगादड़ यानी कि बैट, मधुमक्खी, बीज और पक्षी। कि जो आपके फूलों के परागकण होते हैं ये जो है इनमें से तीनों या कोई दो या कोई एक फैलाता है, जिसे पॉलिनेशन हम कह सकते हैं हिंदी में होता है। बच्चों आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे, इसका आंसर बच्चों डी होगा। चमगादड़ भी परागकण फैलाता है यानी कि पॉलिनेशन को फैलाता है, मधुमक्खी भी फैलाती है और पक्षी भी फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बैसिलस थ्यूरिंजियस का उपयोग किस लिए होता है। जैविक खाद है या जैविक कीटनाशक है, रासायनिक खाद है या रासायनिक कीटनाशक है। बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी यानी कि जैविक कीटनाशक। और एक आखिरी क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए।
समुद्री गाय, सी काउ, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स और समुद्री सिंह, सी लॉयन। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा मैमल है, यानी कि स्तनधारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है नए जो पैटर्न अगर ये अडॉप्ट कर रहे हैं जो अखबारों के थ्रू खबर हमें मिली है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि आपका समुद्री गाय जो है वो एक स्तनधारी है, समुद्री सिंह भी जो है वो एक स्तनधारी है, समुद्री घोड़ा जो है वो मैमल नहीं होता है।